और अब बात कर लेते हैं 2000 नोट की, जो आज से आप इसे बदलवा सकेंगे। सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए, 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है, ये इसका एक हिस्सा है। तो आज की बड़ी खबर, 2000 के नोट बदलने का आज पहला दिन है। आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद आज से किसी भी बैंक में 2000 के नोटों के बदले 500 या 1-200 के नोट लिए जा सकते हैं। एक बार में 2000 के 10 नोट जमा कराए जा सकते हैं और इसके लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। 2000 रुपए के नोट को लेकर सरकार के लिए गए फैसले के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही थी और आज 23 मई से लगातार जो एक्सचेंज है वो भी शुरू हो चुका है बैंकों में और खासतौर पर जो भीड़ है वो पेट्रोल पंप्स में भी देखी जा रही है। और एक बड़ी चीज़ जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अब लोग जो है वो 2000 के जो नोट उन्होंने अपने पास रखे हुए थे वो अब निकल रहे हैं बाहर और सभी पेट्रोल पंप्स पर भी एक भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर 2000 के अच्छे खासे नोट जो है वो सुबह से ही लगातार इनको आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो पहले किस तरह से आते थे और अब किस तरह से आ रहे हैं, ये भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बट लगातार अगर हम बात करें तो एक बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। पहले गुलाबी नोट जो है वो कम ही पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिलते थे, बट अब ये जो बदलाव है ये कहीं ना कहीं यही नतीजा है कि जो सरकार ने फैसला लिया है 2000 के नोटों को लेकर, उस पर ये प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, कितने नोट पहले आते थे गुलाबी रंग के, तो अभी कितने आ रहे हैं? पहले तो 15-20 ही आते थे सारा दिन में, अभी 100 के करीब करीब आ जाते हैं। अभी तक 100 हो चुके हैं? अभी तक नहीं, सुबह से लेकर शाम तक 100 हो जाते हैं। अच्छा, तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं कि 2000 आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? हम एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम तेल जो तेल डाल रहे हैं कस्टमर उससे ले रहे हैं, तो उसको बाकी बैलेंस दे रहे हैं। क्या सभी लोग 2000 के तेल लवा रहे हैं तभी दे रहे हैं या छोटा? ऐसे भी अगर 200-400 का डालेंगे तो हम देंगे उसको, वो एक्सचेंज मतलब 1800 उसको बैलेंस देंगे। जो यहाँ पर पेट्रोल या डीजल डलवाने आए हैं इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? जगभूषण गुप्ता जी। सर 2000 के नोटों को लेकर पहले तो फैसला आया, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? कोई इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है इसमें जी। कोई नोट हमारे पास तो नोट है नहीं, 2-4 नोट है, मैं आज 2 नोट डाल लेते हैं तेल जी। तो बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया और आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है वो आपको बता रहे हैं। 2000 के नोट पर बड़ा फैसला, अब देखिए 2000 के नोट जो है वैध बने रहेंगे। 30 सितंबर तक का वक्त यहां पर मिला है, यानी 4 महीने का वक्त है, तो 23 मई 2023 से बदले जा सकेंगे नोट। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब लोग बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला, और ऐसे में 2000 के नए नोट जारी नहीं करेगा आरबीआई, यानी सर्कुलेशन अब नहीं होगा। और ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो जल्दबाजी ना करें और बड़े ही आराम से वो अपने नोट बदलवा सकते हैं। 10 नोट बदलने में देखिए कोई डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होगी, ये भी बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई है। तो काफी वक्त यहां पर सरकार ने दिया है, आरबीआई की तरफ से खुद यहां पर जानकारी दी गई कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, 30 सितंबर तक का वक्त मिला है। दो हजार की करेंसी एक्सपायर हुई, अब मार्केट से आउट गुलाबी नोट। करीब 7 साल पहले नोटबंदी के बाद जिन गुलाबी नोटों को हाथ में लेकर बैंक से बाहर निकलते हुए लोगों के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी, अब उन्हीं गुलाबी नोटों को वापस करने का वक्त आ गया है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद 2000 के नोटों का चलन बंद करने का फैसला भले ही किया गया है, मगर 2000 के नोट बदलने के लिए आरबीआई ने 4 महीने का समय भी दिया है, यानी आज से 30 सितंबर तक जिनके पास 2000 के नोट हैं, वो किसी भी बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं। इसीलिए आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया है कि लोग बैंक आने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपके पास 4 महीने हैं। 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए, 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या
अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए, तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। आरबीआई की तरफ से नोट बदलने को लेकर जो बड़ी बातें कही गई हैं, वो जान लीजिए। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं, यानी 2000 के नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त है। एक बार में 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। किसी भी बैंक से नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी नहीं और ना ही किसी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। देश के कई शहरों में लोग आज सुबह से ही बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे और कई जगहों पर बैंक के बाहर अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई, जो 2000 का नोट जमा करने पहुंचे थे। आरबीआई के दिशा निर्देश के बाद आज से बैंकों ने तैयारी कर ली है कि 2000 के नोट जो हैं वो कैसे बदले जाएंगे। इस समय हम बंगाली मार्केट की एचडीएफसी बैंक शाखा में खड़े हुए हैं, जहां पर इस समय जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सामान्य है। एक जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल बैंकों ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है और इसी बैंक के ठीक सामने पंजाब नेशनल बैंक भी है, जहां पर हम सुबह से थे। संभवतः उम्मीद थी कि एक लंबी लाइन जो है यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी 11 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन यहां पर भी किसी भी तरीके की जो भीड़ भाड़ है वो नहीं देखने को मिली। बैंक के कर्मी और हेड कैशियर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बैंकों ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है और कहीं ना कहीं एक अलग से काउंटर, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके पानी पीने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये बैंकों ने कर रखी हैं। हालांकि कई लोगों के मन में अभी भी कई तरह के कन्फ्यूजन हैं और कुछ लोग इस फैसले के बाद 2016 की नोटबंदी के दौरान हुई परेशानी को भी याद कर रहे हैं।